वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अर्शाद व्लॉग्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ऑल गुड। तो आज अचानक से प्लान बना मेरा लखनऊ का और मैं आ गया लखनऊ। तो रास्ते में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे भाई बहन सारे साथ में थे, तो मैं सोचा कि क्या शूट करूँ, वहाँ पे पहुँच के बढ़िया शूट करूँगा। इधर सारे खेल रहे हैं, आप लोग इस सेट देख सकते हो, ये सामने जो स्विंग्स और स्लाइड्स वगैरह लगे हैं, इधर सारे मेरे छोटे भाई बहन इधर खेल रहे हैं और मैं इधर आपका भाई मोहम्मद अर्शाद व्लॉगिंग करते हुए। तो आज मैं आया था फ्लैट के काम से, अब फ्लैट को जो है बिल्कुल फाइनल टच देना है। अभी एसी वैसी आ गया है, तो अभी एसी आ गया है, अब बंदा आ रहा है इंस्टॉलेशन के लिए और पेंट्स वगैरह का काम चल रहा है। पेंट्स वगैरह तो हो गया सब फाइनल, अब जो है लाइट्स लगनी है एंड साफ़ सफाई होनी है, बाकी सारे काम हो गए हैं। बाकी छोटा मोटा फर्नीचर का कुछ काम रह गया है, बेड वेड सारा क्लियर है और बाकी जो ऐसा काम होता है सोफ़ा वगैरह का, सोफ़ा फ्रिज ये सब चीज़ें तो बाद में ले ली जाएंगी। मतलब बाकी अभी जो है रहने लायक हो गया, बिल्कुल सेट हो गया है, वो मैं आपको पूरा क्लियर होने के बाद दिखाऊंगा। अभी इतनी जल्दी तो नहीं है ना, आराम से जब पूरा बढ़िया हो जाएगा तब दिखाऊँ। अरे यार ये मौसम वो क्या हो गया, अचानक से कभी धूप कभी कभी धूप कभी बादल आ जा रहा है, लेकिन सही है, बढ़िया है मौसम, हवा चल रही है तो इतना एहसास नहीं हो रहा है। बाकी अभी वो बंदा आ रहा है इंस्टॉलेशन के लिए, तो मैं इंस्टॉलेशन कराता हूँ। अभी मुझे मैट्रेस वगैरह भी ख़रीदने जाना है, तो इधर अपने एसी वाले भाई आ चुके हैं और मैं एक कोने में होके बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी दिखाना नहीं है, सस्पेंस मैं ख़राब नहीं करना चाहता। बाकी इधर है ये अपनी एसी, इस वॉल पे जाएगी, तो अभी मैं कोने में रह के बात कर रहा हूँ। अभी एसी लग जाती है फिर उसके बाद मिलता हूँ। तो अभी एसी का काम चल रहा है ऊपर, नहीं सॉरी काम नहीं चल रहा है, मतलब इतना काम होना तो हो गया, बाकी हो गए हैं आउटडोर यूनिट का स्टैंड लेने, तो मैं सोचा थोड़ा पेट पूजा कर ली जाए। तो वही अभी मैंने ऑर्डर किया था, वही चल के खा लेते हैं थोड़ा सा, बाकी मेरे भाई बहन तो खा ही रहे हैं, मैं भी चल के थोड़ा खा लेता हूँ। तो अभी लगता है मुझे एसी लगने में एक घंटे और लग जाएंगे क्योंकि वो लोग, मुझे नहीं पता वो, मतलब नाइट्रोजन भी उन लोगों को लेना है, तो देखते हैं कि कब तक आते हैं। बाकी अपना खाना इधर है, ये है इधर सामने अपना खाना, ख़त्म सब ख़त्म। अभी जो है एसी भी लग गया और ये प्यारे प्यारे बच्चे साइकिलिंग करते हुए और इधर पूरा माहौल बना हुआ है इस टाइम गेम्स का, सारे बच्चे खेल रहे हैं इधर। तो हाँ एसी लग गया, लाइट्स भी लग गई और लिटरली गाइस आई कांट वेट टू शो यू द फ्लैट। इतना कर रहा, इतना तगड़ा लग रहा था, लेकिन अभी नहीं दिखाने वाला मैं जब तक बिल्कुल प्रॉपर में हर चीज़ नहीं हो जाता। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आई विल शो यू द फ्लैट। ज़बरदस्त हवा चल रही है, मतलब अपनी किस्मत ही ख़राब है, उस टाइम आए थे तो मतलब इतना तगड़ी वाली धूप थी और इस टाइम आप लोग मौसम देखो कितना ज़बरदस्त शानदार मौसम हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब ये हमारा निकलने का टाइम हो गया है तो अभी अपन निकलने वाले हैं और इधर मेरे भाई बहन इधर चलते हुए मेरे आगे तो अभी जो है हम लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं। हाँ बाकी जो उसका काम था मैट्रेस वगैरह वो मेरे यासिर भाई ने दिला दिया, थैंक यू यासिर भाई, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग निकलने का टाइम हो गया, निकल रहे हैं अब लखनऊ से, आएँगे अगले हफ्ते आएँगे इंशाल्लाह। तो अब जो है कुछ नहीं है, गाड़ी के अंदर अब बैठ रहे हैं, अब निकलेंगे तो अगला हॉल्ट जो होगा शायद आबदाना पे होगा, मे बी मतलब होगा वहीं रुकेंगे, तो लेट्स सी चलते हैं, गाना बंद करो वरना आ जाएगा कॉपीराइट तो चलो जी। हाँ क्या हुआ, खूब तेज चलाना नहीं, तेज नहीं चलेगी गाड़ी, ज्यादा मत चलना, ठीक है ठीक है, आराम आराम से चलेंगे। तो अभी जो है हम लोग अब दाना पहुंच चुके हैं और मेरा बार बार गोप्रो निकालने का दिल नहीं कर रहा था, तो क्या है मैं अपने फ़ोन से ही शूट कर रहा हूं। तो अब चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं, फिर जो है अंधेरा हो गया, मैं क्या ही वीडियो बनाऊं, घर पहुंच के फिर मिलता हूं आप लोगों से। आ चुके हम लोग घर, काफ़ी थक गए हम लोग और हम लोग तो मतलब मैं काफ़ी पहले आ गया था, हम लोग जो है 11 बजे तक आ गए थे घर,
फिर जो है हम लोग ने खाना वाना खाया और मुझे कुछ अपना वो कंप्लीट करना था तो वो मैंने किया। फिर अभी जो है रात के 1:08 हो रहे हैं, तो हम लोग 11 बजे तक घर आ गए थे, 11:05 हम लोग घर के अंदर आ गए थे। फिर मैंने कुछ काम वाम मुझे करना था वो मैंने कंप्लीट किया, फिर खाना वाना खा के अब मैं फिर सोचा कि अब वीडियो को एंड कर देते हैं, तो यहीं एंड करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मस्त लाइक शेयर कमेंट करें, और जो बंदे नए हैं चैनल पे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने छोटे भाई को दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।